हमारे देश में जो काले अंग्रेज आज लूट रहे हैं भ्रष्टाचार और घूसखोरी के माध्यम से, एक उदाहरण देता हूं। एक मधु कोड़ा नाम का काला अंग्रेज इस देश में है, झारखंड नाम के सबसे गरीब राज्य में वो लुटेरा है, सबसे गरीब राज्य है झारखंड। अब झारखंड जैसे गरीब राज्य में वो व्यक्ति 2 साल मुख्यमंत्री रहा और 2 साल के मुख्यमंत्री काल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि मधु कोड़ा 2 साल सबसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री होकर अगर 5,600 करोड़ लूट सकता है तो भारत के सबसे अमीर राज्यों में जो 15-15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने कितना लूटा होगा। यहां हरियाणा में उदाहरण है, दूर कहां जाएं, आपके ही राज्य के उदाहरण है, कितने बड़े बड़े लूटखोर यहां बैठे हुए हैं हरियाणा में। मैंने भारत में देखा उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम कि ये जो लूटखोर नेता और भ्रष्ट अधिकारी हैं, 20 साल पहले तक इनकी जिंदगी को अगर आप देखो तो किसी के पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए, आज एक एक के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी का मुझे सख्त निर्देश है कि नाम लेके मत बोलो, तुम जब समय आएगा तब नाम लेंगे। मैं इशारे से बताता हूं, आप सब समझ जाएंगे। एक बहुत बड़ा लुटेरा इस देश में भ्रष्ट मंत्री है, महाभ्रष्ट, केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है आज इस देश में, महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री रह चुका है। उसकी लूट का अंदाजा अगर आप लगाना चाहो तो अंदाजा ऐसे लगाओ कि 20 साल पहले उसके पास टूटी साइकिल नहीं थी घर में, आज बंबई से पूना के बीच की दूरी 180 किलोमीटर की है। इस दूरी में जितने गांव पड़ते हैं उन गांव की हजारों एकड़ जमीन उस अकेले ने लूट के खाई हुई है। ऐसे ऐसे लूटखोर हैं इस देश। मैं और एक नेता की कहानी बताता हूं। 20 साल पहले वो नेता नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, आज वो मंत्री है महाराष्ट्र में और केंद्र में भी मंत्री रह चुका है। आज उसकी प्रॉपर्टी 40,000 करोड़ से ज्यादा की। 15-20 साल पहले एक नेता था, मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक और मेथी बेचता था, आज उसकी प्रॉपर्टी 35,000 करोड़ की है खाली मुंबई में। ऐसे ऐसे लूटखोर नेताओं की संख्या अगर आप पूछोगे तो 80,000 है जो लूट रहे हैं इस भारत माता को, एक दो नहीं है, 80,000। कुछ तो इसमें नगर सेवक के स्तर पर है जो सबसे नीचा पायदान है लूट का, नगर सेवक माने कॉरपोरेटर, और कुछ उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर है चीफ मिनिस्टर या केंद्र सरकार के मंत्री। तो नगर सेवक से लेकर और वहां तक 80,000 नेता हैं जिनकी जन्म कुंडली इस समय मैं बना रहा हूं, जिनके पास 20 साल पहले एक फूटी कौड़ी नहीं थी और अब हजारों करोड़ की संपत्ति है उनके। और ये नेता जो लूट रहे हैं देश को, ये धन को ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं। अंग्रेज लूट रहे थे इस देश को तो धन को ले जाके लंदन में जमा कर रहे थे, अब ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं देश को, ये धन को ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। और हमारा लूटा हुआ धन स्विट्जरलैंड में चूंकि जमा हो रहा है इसलिए स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है और हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिनती हो रही है। अब समझ में आया कि स्विट्जरलैंड सबसे अमीर क्यों है। खेती उस देश में नहीं, व्यापार उस देश में नहीं, उद्योग उस देश में नहीं, फिर भी सबसे अमीर देश, क्योंकि भारत से लूटा हुआ धन वहां जमा हो रहा है। स्विट्जरलैंड में कुछ बैंक हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3 ऐसे 36 है, बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 36 बैंक हैं। उन बैंकों का नियम है कि दुनिया भर से कहीं भी लूट का पैसा लाके आप वहां जमा कर सकते हैं और वो बैंक वाले पूछते नहीं कि आप ये पैसा कहां से लाए। दूसरा नियम है कि जो पैसा वहां जमा होता है उस पर वो बैंक ब्याज नहीं देते, जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं।
तो भारत के नेता जो धन जमा करते हैं उस पर पैसा नहीं मिलता ब्याज का, उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता है। तीसरा नियम है कि जो जमा करने वाले घूसखोर नेता मर गए तो बैंक उनका पैसा हड़प लेती है, किसी को नहीं देते। और भारत में ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो जमा करके मर गए। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, आप होशियार हैं तो समझ जाना, नाम इसमें भी नहीं लूंगा। महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर हुए, उन्होंने स्विस बैंक अकाउंट खोला और उनके एक वित्त मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने मिलकर स्विस बैंक अकाउंट खोला स्विट्जरलैंड में, और जॉइंट अकाउंट था उनका, दोनों उसमें पार्टनर थे। जिस व्यक्ति ने उनका अकाउंट खुलवाया वो अभी थोड़े दिन पहले सीबीआई की गिरफ्त में आया और वो जेल में बंद है अभी। तो वो एक चीफ मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने खोल दिया। अब चीफ मिनिस्टर पैसे देता था फाइनेंस मिनिस्टर को और लेके जाता था, वो जमा कराता था। एक दिन क्या हुआ कि महाराष्ट्र के उस फाइनेंस मिनिस्टर ने सब पैसा निकाल लिया और अपने अकेले के नाम से सिंगापुर की बैंक में रख दिया और चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया। थोड़े दिन में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चली गई। अब कुर्सी चली गई तो पैसे की जरूरत पड़ी, तो चीफ मिनिस्टर साहब गए अपना अकाउंट चेक करने के लिए, तो पता चला कि सारा पैसा गायब। अब पैसा गायब तो मुश्किल हो गई, फिर ढूंढा ढांडा, पता चला कि वो सिंगापुर की बैंक में पहुंच गया पैसा। फिर वो सिंगापुर गए, सिंगापुर जब गए तो जिस बैंक में पैसा पहुंचा तो पता चला कि उनके ही मित्र ने जो फाइनेंस मिनिस्टर था सब अपने नाम से जमा कर लिया। अब ये विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो साइन ना करे, तो इन्होंने अपने मित्र को फोन फान किया होगा, उसने मना कर दिया, तो चीफ मिनिस्टर को सिंगापुर की बैंक में अटैक आया, लिफ्ट में अटैक आया और उनकी डेड बॉडी सिंगापुर से मुंबई आई थी। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कहानी, फाइनेंस मिनिस्टर की कहानी। जिस दिन परम पूजनीय स्वामी जी का आदेश होगा मैं दोनों के नाम खोल के बताऊंगा और कितने लूटे हैं उन्होंने धन संपत्ति वो भी बताऊं। ये लूट वाले ऐसे लोग हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव मरा नहीं है, उसकी आत्मा ही इन काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई। ऐसा ही एक लुटेरा अंग्रेज है इस देश में, काला अंग्रेज, उसका नाम बता देता हूं क्योंकि इसकी परमिशन है मुझे। उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह, वो उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहा, आईएएस अधिकारी है। उसके घर में अभी छापा पड़ा था सीबीआई का, तो 480 करोड़ रुपए निकला घर में से। उसने जिंदगी भर जो सर्विस की है ना, उसका टीए डीए और एचआरए मिला के 77 लाख बैठता है और उसके घर में से 480 करोड़ निकला। जब पुलिस ने पूछताछ की, सीबीआई ने पूछताछ की, तो पता चला कि ये उसका एक घर है, ऐसे 19 घर अभी और हैं। माने लूटखोरी में नेता ही नहीं अधिकारी भी शामिल है। और ये धन लूट लूट के जो ले जा रहे हैं इससे देश में गरीबी आ रही है। हमारे नेता हमको ये समझाते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से देश गरीब हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने से नहीं लूट होने से ये देश गरीब हो रहा है। जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, हम जब आजाद हुए तो 33 करोड़ थे, अब हम 115 करोड़ हैं, जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है। जब हम आजाद हुए तो 4 करोड़ गरीब थे, अब 84 करोड़ गरीब है, गरीबी 21 गुनी बढ़ी है, जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी है। गरीबी 21 गुनी इसलिए बढ़ी है कि लूट इस देश की 21 गुनी बढ़ी है पिछले 63 साल। अब अंतर इतना ही है, अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया और लूटा पैसा और लंदन ले गए, और ये काले अंग्रेज भी इसी टैक्स व्यवस्था के माध्यम से लूट रहे हैं पूरे पैसे को और स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। उन्होंने एक बार संसद में ये कहा था जिसको आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया इस देश में। उन्होंने कहा था कि जब टैक्स का 1 रुपया मैं गरीबों के पास भेजता हूं विकास के लिए तो 15 पैसा ही पहुंचता है, माने 85 पैसा बीच में लुट जाता है। तो पूछा किसी ने संसद में कि कौन लूटता है, तो राजीव गांधी ने बड़े साहस से कहा था हम लूटते हैं, माने नेता लूट देश के। और तब उन्होंने संसद में कहा था
कि अब इस देश की संसद में नेता नहीं दलाल बैठे हैं और मुझे इन दलालों से मुक्त करना है भारत की राजनीति को, ये मेरा संकल्प है, ये राजीव गांधी ने कहा था। लेकिन आप जानते हैं राजीव गांधी को ही मुक्त करा दिया इन्होंने, दलाल तो वहीं के वही हैं। अब राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी संसद में है, उसने एक दिन सनसनी मचा दी ये कहकर कि मेरे पिताजी के जमाने में तो 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंच जाता था, अब मेरे जमाने में तो 5 पैसा भी नहीं पहुंचता, माने 95% लूट हो जाती है। और ये लूट कितनी है अंदाजा लगाना हो आपको तो भारत सरकार का बजट, राज्य सरकारों का बजट और नगर पालिकाओं का बजट तीनों मिला के 20 लाख करोड़ का है साल का, उसमें से 85% अगर लूट रहा है तो 17 लाख करोड़ की लूट हो रही है हर साल।